हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे शेज़वान मैगी। मैगी तो बच्चों की फेवरेट होती है। मैगी को हेल्दी बनाने के लिए हमने इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया मैगी बनकर हमारी रेडी हुई है। आप भी इस स्टाइल से शेज़वान मैगी को एक बार ज़रूर बनाएं। मैगी के साथ साथ बच्चे सारी सब्जियाँ भी चट कर जाएंगे। पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए, हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए लहसुन को भून लेंगे, जिससे कि लहसुन का कच्चापन चला जाए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज के सॉफ्ट होने तक हम प्याज को पका लेंगे। जैसे ही प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट होने लगे, हम इसमें शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स डाल देंगे। इनमें से कोई वेजिटेबल आप पसंद नहीं करते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और बॉईल किए हुए मटर डाल देंगे। आप फ्रोज़न मटर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मैंने हरे मटर का यूज़ किया है, इसीलिए इन्हें बॉईल करके डाला है। और कुछ सेकंड के लिए सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, इन्हें क्रंची ही रखना है। एक टमाटर काट के डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इन्हें ऐसे ही पकने देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर लें और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इन्हें पका लें। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मैंने लाल देगी मिर्च का यूज़ किया है। और 2 मैगी मसाला डालेंगे, क्योंकि मैं 2 मैगी बना रही हूँ। अगर आप 3 मैगी बना रहे हैं तो 3 मैगी का मसाला डालें। 1 छोटा चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे और 1.5 छोटे चम्मच हम इसमें शेज़वान सॉस डाल देंगे। यह मैगी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस स्टाइल से इस मैगी को एक बार बना लेंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आने लगे, हम इसमें मैगी डाल देंगे और मैगी को बनने देंगे। बीच बीच में इसे हम मिक्स कर देंगे। मैगी हमारी रेडी है। बारीक कटे हुए हरे धनिए के साथ हम इसे गार्निश करेंगे। मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया शेज़वान मैगी हमारी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया शेज़वान मैगी बनकर हमारी रेडी है। आप भी इस स्टाइल से शेज़वान मैगी को एक बार ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।